सभा एकदम जीत दी है और वो अभी तक गया नहीं है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जिद जिद कब करते हैं? जब हमारे हाथ में हम लगाम पकड़ लेते हैं तब भी जीता जिद आ जाती है। हमारे हाथ में कौन सी चीज है, किस तरह से कोई लगाम हम अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन अज्ञानता से ये सब हो जाता है या पिछले आदतें से हो जाता है, लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं और वैसे हम सोचते हैं वैसा ही होना चाहिए। यदि वैसा नहीं हुआ तो भीतर में हंगामा उठ जाता है। तो वहाँ देखो हमारे हाथ में क्या है, या हमारे से सब कुछ हो रहा है या साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, व्यवस्थित शक्ति चलाती है या हम चलाते हैं, हमारे हाथ में कौन सा चीज़ है? यदि हमारे हाथ में रहती तो सबसे पहली बात हम क्रोध ही ना करते थे, हमारा ही स्वभाव हमारी ही प्रकृति बदल डालते थे, लेकिन इतना आसान नहीं है। वो तो समझदारी से ज्ञान अप्लाई कर करके उसको मोल्ड करना पड़ता है। ज्ञान ही इसको बदल सकती है, हमारा अहंकार नहीं बदल सकता है। तो ये जीत पकड़ती है तब अहंकार सब पकड़ लेता है अपने हाथ में, लगाम अपने हाथ में ले लेता है अहंकार, उसकी वजह से यह सब सर पे चढ़ जाता है। ऐसा ही होना चाहिए, मैं कहूँ ऐसा ही होना चाहिए, मेरी ही बात सच्ची है, सामने वाले की बात गलत है। हालांकि हम जैसा सोचते हैं कि मेरी बात सच्ची है, वहाँ से ही अहंकार का साम्राज्य आ जाता है। सामने वाले की गलतियाँ देखे, वहाँ से ही बुद्धि और अहंकार का वर्चस्व आजाद हो जाता है। तो इसे ज्ञान का उपयोग नहीं होता। तो इन सारी बातों को आप ऑब्जर्वेशन में लेना कि जब जीत पे चले जाते हैं तो यहाँ ये सब अहंकार का फिर साम्राज्य छा जाता है। हमें अहंकार का साम्राज्य नहीं चाहिए, हमें तो आत्मा का ही साम्राज्य चाहिए। समझ में आया ना? जी नीरू। जितनी आज्ञा फॉलो करोगी उतना ही समाधि जैसा रहेगा, बहुत सुंदर समाधि रहेगी। ज्ञान लिए कितना समय हुआ है? नीरूमा 2 बरस होने आए। 2 बरस होने आए, 2 बरस में कुछ फर्क लग रहा है? हाँ नीरूमा, मुझे माफ़ी मांगना आ गया है प्रतिक्रमण करके। प्रतिक्रमण करना आ गया? हाँ। है पहले नहीं करती थी माफ़ी? नहीं, सॉरी बोलना तो नहीं आता था। सॉरी बुलवाती थी? नहीं। नीरूमा एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जब एक्चुअली जब भी मेरा फियांस यानी मेरी फाइल नंबर 2 जब भी मिलने का टाइम दिया होता है टाइम पर कभी नहीं पहुंच पाता, तब मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। सारे प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होते हैं। मम्मी पापा के साथ तो होता है तो वो तो सॉल्व कर सकते हैं, पर ये जो फाइल नंबर 2 के साथ होता है वो अपने हाथ में नहीं होता कि सॉल्व कर सके। ऐसा है, अपने पति के साथ ही तो ज़्यादा रहने का है। अब शादी के बाद तो माता पिता का संबंध बहुत कम हो जाता है और पति का बहुत गहरा हो जाता है, तो वहाँ ही हम समभाव से समता से जितना रह पाएंगे उतना ही हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस सुंदर होगा। वहाँ ही जागृति ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। बाकी तो हर जगह पे हम तो बहुत अच्छे अच्छे ही रहते हैं सर किसी से,
सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं पति के साथ, क्योंकि मालूम है कि वो हमसे बहुत प्यार करता है, हमको छोड़ के जाने वाला नहीं है। अभी वो किसी दूसरी के साथ चक्कर में आ गया तो सीधी हो जाओगी, जरा भी नखरे नहीं करेगी। थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया तो क्या हो गया, हमारे हाथ में थोड़ी है किसी का। दुनिया के टाइम रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड तुम्हारे पास थोड़ी है, उसके हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। समझ में आया ना? समझ लेना कि व्यवस्थित का टाइमिंग है, अपने किसी के हाथ में नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सारी चार चीज़ें इकट्ठे होती हैं, सारे सर्कमस्टेंसेस को इन चार में क्लासिफाई किया है। जितने सारे संयोग इकट्ठे होते हैं तब एक घटना घटती है। तो इन सारे संयोगों में इनका क्लासिफाई करके चार में डिवाइड किया है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, टाइम। सारे सर्कमस्टेंसेस इकट्ठा होते हैं तब बनता है आप। आपके हस्बैंड ने आपको मिलने का सिनेमा देखने जाने का टाइम दिया है, इतने बजे मैं आ जाऊँगा, टिकट लेके आप तैयार हैं। वो भी बेचारे, उसको भी ख्याल में तो है, वो कोई भूल नहीं गया है। एक तो उसको जल्दी आने की बहुत टेंशन है, ऊपर से लेट हो जाएगी तो श्रुति बिगड़ेगी, उसका दुगना टेंशन हो जाएगा। इन टेंशन में और ज़्यादा देर हो जाएगी बेचारे से। और यहाँ तो एक एक मिनट देर होती जाएगी तो दिमाग में श्रुति का चलते जाएगा, अरे इतना पिक्चर चले गया, इतना लेट हो गया, अब क्या जाना, अब कैसा करना है। और वो बेचारा काम धंधे से आ रहा है, कुछ फिरने को तो गया नहीं था। हम तो यहाँ वैसे घर में बाजा आराम से बैठे हैं, नौकर चाकर तो है काम करने वाले, थोड़ा बहुत करना पड़ता है तो करके हम तो आराम से तैयार होके बैठते हैं। हाँ, देखते हैं उसको वहाँ कितने सारे सर्कमस्टेंसेस यारी देते हैं तब वह निकल पाता है। उसमें उसका भाव तो है ही जल्दी आने का, तो एक एविडेंस है उसका, उतना ही उसका है, और उसके बाकी के तीन उसके हाथ में नहीं है। द्रव्य, संजोग और मिलना चाहिए निकलने के, वो नहीं मिलते हैं तो नहीं निकल पाता है। क्षेत्र, जगह जो रहती है उसका भी बहुत महत्व होता है, वो भी उसका संयोग भी इकट्ठा होना चाहिए। फिर काल यानी टाइम भी पकना चाहिए। टाइम पकता है तब सब जम जाता है और निकलने का उसको योग आ जाता है, सारे संयोग फिर यारी दे देते हैं। एक संयोग इधर उधर हो गया तो वो नहीं निकल सकता है। ये सारी करामत व्यवस्थित शक्ति की है, ये सब संयोग जिसे कहते हैं, ना उसके हाथ में है ना अपने हाथ में, तो बिगड़ने की क्या ज़रूरत है। समझ लेना है कि व्यवस्थित हमारे लिए लेट वाला ही है। और नीरुमा, आखिर में एक बात पूछनी है, अगर उसको गुस्सा आ जाए कभी, मतलब आता ही है हर टाइम, तो तब मुझे क्या करना चाहिए? और तब मुझे भी सामने आता ही है, इतना ही क्रोध मुझे आता है। क्रोध देखो रहा, कोई भी पति को अपनी पत्नी पर ही ज़्यादा क्रोध आता है, और पुरुष में ज़्यादा क्रोध का माल भरा हुआ रहता है, मान और क्रोध उनमें ज़्यादा रहते हैं। तो जो माल अंदर है वही निकलेगा, और निकलेगा कहाँ, उसके बॉस के आगे तो नहीं निकलेगा, या बाहर रास्ते में या ऑफिस में कोई स्त्री के पास तो नहीं निकलेगा,
या माल निकलेगा किधर, तो अपनी पत्नी के पास ही निकलेगा। क्यों वहाँ निकलता है, तो जहाँ आप अपनापन लगता है, मेरा है, यह व्यक्ति मेरी है, अपनी है, अपनी ही, ऐसा जहाँ लगता है वहाँ यह सब निकलता है। औरों के पास थोड़ी, पराये के पास थोड़ी निकलेगा। तो जब वो क्रोध करता है तब हमें लगता है, हो इसको, इसके प्यार करने की रीत कितनी अनोखी है, आज कुछ नए तरीके से प्यार दिखा रहा है। तो खुश होना, तो हमारा भी प्रॉब्लम सॉल्व, उसका भी सॉल्व। अपन प्रेम से उसको बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, झील लेने का, प्रेम से झील लो, ताकि हम उसका सारा क्रोध कहाँ डालेगा, डालो हमारे पे डालो, श्रुति पे डालेगा, अपनी पत्नी पे डालेगा, मेरे पे थोड़ी डालेगा, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। निकालो जितना क्रोध निकालना है निकालो, और कहीं मत निकालो, और निकालोगे तो बाजी बिगड़ जाएगी, मेरे पास कुछ नहीं बिगड़ेगा, सेफ हो गए रहोगे। ऐसे ज्ञान के एडजस्टमेंट लियो, समझ में आया ना? हाँ नीरू मैम। अब से चालू करोगी ना ऐसा? आज से ही। ओह वेल डन, गुड। नमस्कार नीरूमा। नीरूमा मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उनको ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, वो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं या स्पिरिचुअल वीकनेस कह सकते हैं उनको। और नॉट ओनली इन मी, मेरे में ही नहीं है, मेरे पूरे परिवार, मेरे भाई, मेरे बहनों में, मेरी मदर में भी, हमें सबसे ज़्यादा है कि इमोशनल वीकनेस बहुत ज़्यादा है। जरा जरा सी बातें महसूस होना, रोना, और निगेटिव थॉट, हमेशा निगेटिव थिंकिंग रही है। लेकिन मैंने पिछले साल अक्टूबर में आपकी शरण में आया, ज्ञान लिया, तब से मैं करीब 80% अप इम्प्रूवमेंट है, 20% अभी भी वीकनेस है। और मुझे इतना, उससे पहले मैं डॉक्टर्स के यहाँ भी गया, बहुत जगह इधर उधर, और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आपकी शरण आने में मुझे ज़िंदगी मिल गई। कभी कभी तो बहुत पुराने बुरे बुरे विचार आते थे, ये कर दूँ वो, इसी वीकनेस का, इमोशनल वीकनेस का फ़ायदा उठाकर मेरे कुछ जो मेरे साथ कम्पिटिटिव मेरे समकक्ष हैं, मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ डिफेंस से रिलेटेड, 5-6 हज़ार रुपये का कर्मचारी, लेकिन आपसी जो कंपटीशन है वो फिर कूटनीति का रूप ले लेता है, और उसके चलते फिर आगे बढ़ता जाता है, तो उसमें बदले की भावना, गुस्सा, रिवेंज, ये सब आता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं घूमता रहा इसी तलाश में कि यस यस यस, अंत में आपकी शरण आया। लेकिन अभी भी जो है, जो सबसे बड़ी कमी है वो मेरी है एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। मैं ठीक से घुल मिल नहीं पाता लोगों के साथ, और उतना मिक्सअप, या तो ये कह सकते हो कि मैं ओवर प्रिकॉशन है, सावधानी ले रहा हूँ कि भाई गड़बड़ ना हो जाए ज़्यादा। और ऐसे ही फिर मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो मैं अपने परिवारों में झांकता हूँ, मैं ज़्यादा अमीर घर से, मैं बहुत ही पोरेस्ट फैमिली से हूँ, एक लेबर क्लास से, मैं थोड़ी पढ़ाई की तो एक सैनिक बन गया, तो अभी यहाँ तक आया। लेकिन मैं उनको चाहता हूँ, जो लोग मेरे भाई बहन हैं और मेरा परिवार है, मैं उनको चाहता हूँ किसी तरह वो अप आए। तो ये क्या है ये समझदारी से ही काम लेना चाहिए क्या? जो नेगेटिव थिंकिंग है उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं क्या? जितना पॉजिटिव थिंकिंग आप करते जाओगे, वही सच्ची समझ, उसे ही सच्चा ज्ञान कहते हैं। जो हम उल्टा सोचते हैं, उल्टा समझते हैं और उल्टा करते हैं, उसके बजाय हम सच्चा समझे, सच्चा ज्ञान उसे कहते हैं, सच्ची समझदारी से जिए। समझ में आया? हमारे पास कुछ ऐसा सच्ची समझदारी होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए, कि जिससे हम पॉजिटिव ही देखें, सब कुछ पॉजिटिव 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 ही देखें, हमारी दृष्टि नेगेटिव ना हो पाए। तो वही हम आपको देते हैं, और वही सबको वही दृष्टि देते हैं।
हर किसी को उसकी नेगेटिव दृष्टि में से पॉजिटिव बताते हैं ताकि उसके जीवन में शांति हो जाती है। यहाँ तक कि वही पॉजिटिव दृष्टि से ही वो आध्यात्मिक लेवल तक अंत तक पहुँच सकता है। क्या ज्ञान लेने से पहले मैंने गीता भी पढ़ने की कोशिश किया करता था मैं, लेकिन मुझे कभी मैं ज़बरदस्ती लगता था उसमें पढ़ता था एक दो अध्याय, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। जब से ज्ञान लिया है मैंने तो मेरा गीता के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है। अभी मैं एक दो अध्याय पढ़ ही लेता हूँ और हर श्लोक में बहुत डीप थिंकिंग तक जाता हूँ और वो मेरी सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में सब कुछ आता है, ऑलमोस्ट समझ में आता है और उसके प्रति मेरी रुचि बढ़ गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सारा ज्ञान गीता में पढ़ा हुआ ही है और पॉजिटिव दृष्टि यहाँ तक बताई है भगवान ने कि हर किसी के इतर में आत्मा ही देख, किसी को नेगेटिव मत देख, अच्छे बुरे ये दृष्टि में से निकलकर सभी आत्मा स्वरूप है, इंद्र इस दृष्टि से देख। कितनी बड़ी बात बताई है, इन दृष्टि से देखो। हम भी उस जीव अपने जीवन में इसी दृष्टि से देखें, किसी को नेगेटिव ना देखें, भला ये बुरा है, ऐसा करता है, वैसा करता है, सब नेगेटिव है, उसको तो पॉजिटिव देखो। सभी अच्छी कितनी सारी, हर किसी के अंदर कितनी अच्छी सारी चीज़ें भी रहती हैं, उन अच्छी सारी चीज़ों को देखो। और अगर गीता की बात समझते हो तो इससे आगे बढ़ के हर किसी के अंदर तो भगवान विराजमान है, परमात्मा ही है। निरुमा, गीता में से ही एक प्रश्न है, एक श्लोक में कहा गया कि वो जो कर्म बंधन के, जब तक हम इस शरीर को मैं मान के चलते हैं तब तक ये कर्म बंधन होते हैं, अच्छा कर्म या बुरा कर्म जो भी होता है, और उसके उसी के परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म या ये बॉडी में आत्मा प्रवेश वो प्रतिष्ठित होती है, तो वो किस तरह से है, कैसे होता है निर्मल? अज्ञान दशा में जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि अज्ञान दशा में अर्जुन जो मानता था कि मैं अर्जुन हूँ, और यही श्री कृष्ण भगवान को भी वो श्री कृष्ण ही मानता था, तो उन्होंने ये दृष्टि से हटाकर उसको सच्ची दृष्टि बताई कि आप अर्जुन नहीं हो लेकिन आत्मा हो। और खुद के लिए भी बताया कि ये जो आप देखते हैं यह सच्चा स्वरूप मेरा नहीं है, मैं भी आत्मस्वरूप हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। और शरीर तो हर किसी की खत्म होने वाला नहीं है, एक दिन हर किसी का शरीर तो फिनिश होने वाला है। तो हम जो ख़त्म होने वाला है, जो विनाश है उसको देखते हैं, जो अविनाश है उसको नहीं पहचानते हैं। तो भगवान ने वो दृष्टि बताई, वो दृष्टि खोल के दी, हमारी भी अगर वह दृष्टि खोले तो हम खुद अविनाशी हैं और हर कोई अविनाशी है, आत्मस्वरूप है ही। हर इंसान में, हर जीव में यही स्वरूप है, लिविंग बींग में आत्मस्वरूप है, यह दृष्टि बताई। तो पहली बात मैं आत्मा हूँ यह जानने की बात है, और दूसरी बात अर्जुन को बताया कि यह जो युद्ध हो रहा है यह युद्ध का करने वाला कोई नहीं है, यह हो रहा है, आप ये युद्ध के करने वाले नहीं हो, कोई करता ही नहीं है, यह तो आपका हिसाब इन लोगों का सबका पिछले जन्म का जो कर्म था वो कर्म आपको युद्ध करवा रहा है, आप ना बोलोगे तो भी यह युद्ध आपको मजबूरन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह होने वाला हो रहा है, इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकेगा। बहुत जनों ने इसको स्टॉप करने का प्रयत्न किया, श्री कृष्ण भगवान ने खुद ने भी युद्ध को स्टॉप करने का प्रयत्न किया लेकिन वो नहीं हो सका। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि यह होके ही रहेगा, और वैसा हुआ भी सही। तो यह कर्म की बात बताएं कि हम आत्मा है और आत्मा किसी चीज़ का कर्ता नहीं है, और जो भी दिखता है वह बाहर विभाग में है और वो जो भी है वो कर्म के हिसाब से हो रहा है। तो कर्म करते हुए ही अकर्म दशा में अर्जुन ने सारा युद्ध किया, करोड़ों को मार दिया, फिर भी उसको एक भी कर्म नहीं बंधा गया और उसी जन्म में वह मोक्ष में गया। देखो कितनी आध्यात्मिक की टॉप में टॉप जो बात है,
जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए है, और वही बात हमारे सबके पास गीता के स्वरूप में है, हम समझे और हमारे जीवन में अपनाएं, तो हमें भी वही चीज़ हासिल हो सकती है जो अर्जुन को हुई। लेकिन सिर्फ ये समझने की बात है, यह ज्ञान यानी समझने की बात है, इसमें कुछ करने की बात नहीं है। गीता में कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के पास कुछ करवाया नहीं, ना जप करवाया, ना तप करवाया, ना उपवास करवाया, ना ध्यान करवाया, ना त्याग करवाया, ना कुछ करवाया, सिर्फ ज्ञान दिया, सच्चा ज्ञान, सच्ची समझ, वही बात हम आप सबको बता रहे हैं।